आज शहर बीजापुर में एक्स कॉरपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती के नेतृत्व में अब्दुल पीरा जमखंडी, मस्तान गौंडी, मुजाहिद जमादार जैसे और भी दानियों के सहयोग से लॉकडाउन से परेशान वार्ड नंबर 33, 34 और 35 के गरीबों की मदद के लिए 1000 राशन के किट बांटे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी एक्स कॉरपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती ने दी। इस दौरान दो मासूम बच्चों ने भी पैसों से भरे अपने गुल्लक को गरीबों की मदद के लिए देकर अपना योगदान दिया। हम ऐसे मासूम बच्चों के जज्बे को सलाम करते हैं। इस अवसर पर बीजापुर के एडिशनल एसपी डॉक्टर राम अरसिद्धि, गांधी चौक पुलिस स्टेशन सीपीआई रविंद्र नाइकोड़ी, ट्रैफिक PSI आरिफ मुशापुरे, फयाज कलादगी, अब्दुल पीरा जमखंडी के अलावा और भी लोग थे मौजूद। वेरी गुड सर, फोटो काटो। सुपर। माय स्कूल नेम इज प्रेरणा पब्लिक स्कूल। मैं गरीबों की मदद करने के लिए ये तोहफा आपके सामने दे रहा हूँ सर। आप सब भी गरीबों की मदद करने के लिए सामने आइए और घर के बाहर मत निकलिए, कोरोना वायरस का खतरा है। हम सब बच्चों का ख्याल कीजिए। जय हिंद। लोग अपने अपनी तरफ से जो जो दे सकते हैं वो सब सहाय कर रहे हैं। होती से होती हो या छोटे बच्चे हो, सब अपना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। जो लोग भी कुछ कर सकते हैं, मैं गुजारिश करता हूं जो जो अपने हाथ से दे सकते हैं वो आके कंट्रीब्यूट करके गरीब लोगों की सहायता करें इस वक्त में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बीजापुर शहर में जब से लॉकडाउन हो गया, सबसे हमारी पूरी बीजापुर के जो बड़े बड़े लोग हैं सब मिलकर मदद करते हैं। मैं आज एक फैसला लिया कि अपने अपने एरिया में हम लोगों की मदद करना है, क्योंकि लोग इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम अपने वार्ड नंबर 34 के लोगों के लिए आज 1000 किट यहाँ पे बनाए हैं। ये 33, 34, 35 तीनों वार्ड में जो गरीब लोग हैं, जिनको इसका ये नहीं मिल रहा, जिनके पास उनका घर नहीं चल रहा, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के हम ये लोग देने के लिए हमारे जानिब से ये किट बना है। ये खास करके इस किट बनाने में हमारे अब्दुल पीरा जमखंडी, जायद मोमिन साहब और हमारे मस्तान गोंडी साहब, मुजाहिद जमादार साहब, हबीबुल्ला जमादार साहब और हमारे अल्लाह का शटगार साहब, ये सब लोग हमारी इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किए हैं। तो इन लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इतने सब चीज़ें आज जो देने लगे हैं, तो इन लोगों की मदद है, इन लोगों का साथ है। और उसके साथ साथ सभी हमारी टीम जो भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग ये रात दिन मिला के मेहनत करके पैक करें, मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ। आज हमारे वार्ड के 34 नंबर वार्ड, 35 नंबर, 35 नंबर के यहाँ वार्ड में गरीब जो लोग हैं उन लोगों की आज मदद करने के लिए हमारे जानिब से हम ये कोशिश करें कि अल्लाह इसे कबूल करें। अल्लाह ताला से गुजारिश से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद और करें और हम और लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे अपनी टीम की जानिब से दिया जा रहा है, ये दूसरों की वजह से नहीं दे रहे, हमारे खुद के पैसों से, हम खुद के कंट्रीब्यूशन से हम कर रहे हैं। ये 5 आदमी मिलके हम कर रहे हैं। इससे पहले हम सब बीजापुर में सब लोगों की मदद करे, बीजापुर में सब लोगों को दिए, मगर हमारे वार्ड में ज़्यादा गरीब रहने की वजह से, हमारे पास 4 स्लम रहने की वजह से, ये सब लोगों को ये देना ज़रूरी हो कि हम 4-5 आदमी मिल के ये अपने खुद के पैसों से हम ये तकसीम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये लोग भी समझें कि आप वो लोग लें जिनके ये हकदार हैं। ये सभी लोगों को या गवर्नमेंट की जानिब से या किसी संस्था की जानिब से नहीं दिया जा रहा है, ये हमारे खुद के अपने पैसों से हम लोगों को, आप लोगों की मदद करें। तो वो लोग लें जिनका हक बनता है। तो और उसके साथ साथ आप लोगों से एक और अपील करूँगा, शबे बारात की रात है, शबे बारात की रात में आप लोग रातों में मस्जिद के न जाएँ और अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और कब्रिस्तान में न जाएं और कब्रिस्तान को जाके रात में तकलीफ न कर लें। डिपार्टमेंट का आदेश है और वक्फ बोर्ड ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना है। आज देश को ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश के आर्डर को पालन करें, हम भी अब देश को साथ जुड़कर ये थोड़ी चीज़ को हमें अपना स्वाभिमान समझे या अपना तकलीफ समझे या हमारे धर्म का ये होगा ऐसा न समझें। ये आज ज़रूरत है कि सब लोगों की जान बचाने के लिए हमें भी उनका साथ देना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ, आप अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपने अपने घरों में हर एक दुआ करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह का एहसान है कि आज बीजापुर में आज 15 दिन होने के बावजूद भी एक भी पॉजिटिव केस
नहीं रहा, तो इसलिए अल्लाह का एहसान है कि बीजापुर में हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी अर्शिद साहब, वाईएस पटेल साहब, हमारे अनुपम अग्रवाल साहब, हमारे नायकोड़ी साहब, हमारे आरिफ मुशारी साहब, ये लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से आज तक हमारे बीजापुर शहर में एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ। और जो लोगों को खंग सर्दी बुखार आ रही है वो अपना चेक कराएँ, चेक कराने से कोई नुकसान नहीं है। और साथ में एहतियात बरसें कि अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोते रहें और गर्म पानी पिएं और अदरक की चाय पिएं और काली चाय पीते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा वगैरह न खाएं, ठंडा वगैरह न पिएं, इसका ख्याल करें, अपनी अपनी सेहत की ख्याल करें और दूसरों की तबीयतों का भी ख्याल करें। और आप अगर अच्छे रहे तो सब अच्छे रहेंगे, अगर आप अगर कुछ बाहर आएंगे, कुछ ये होगा, किसी एक को होगा तो पूरे खानदान को लपेटा जाएगा, तो इसलिए दूसरों को भी न आए, हम हमारा ख्याल करते हुए दूसरों का भी ख्याल करें। हर हिंदू मुसलमानों को मिलकर ये काम करना है, हर कौम के लोग मिलकर ये काम करना है। आज हम जो भी बांट रहे हैं ये हर कौम के लोगों के लिए बांट रहे हैं, बल्कि ना ही मुसलमान के लिए बांट रहे हैं। इस राशन किट में क्या क्या दिया जा रहा है? ये राशन किट में शक्कर दिया जाता है, गेहूँ का आटा दिया जाता है, दाल दिया जाता है, नमक दिया जाता है, तेल दिया जाता है, चाय पूड़ी दिया जाता है और उसमें मैदे का आटा दिया जाता है, रवा है दिया जाता है, अवलक्की दिया जाता है, बहुत से आइटम हैं जहाँ जहाँ पे जो चीज़ को है, कम से कम 8-8 आइटम इसमें हमें रखे हैं, तो 8 आइटम उनको हम बांट रहे हैं कि उन लोगों को 10-15 दिन का आराम से उन लोग खा सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रजाक होरती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय नेम इज मोहम्मद राइज, आई एम स्टडिंग इन सेकंड स्टैंडर्ड, माय स्कूल नेम इज प्रेरणा पब्लिक स्कूल। मैं तोहफा गरीबों के लिए, गरीबों के मदद करने के लिए दे रहा हूँ। आप सब भी गरीबों के मदद करने के लिए सामने आइए और घर के बिना वजह घर के बाहर मत निकलिए, कोरोना वायरस का खतरा है, हम सब बच्चों का ख्याल कीजिए। जय हिंद। माय नेम इज मेहरफा, आई एम स्टडिंग इन थर्ड स्टैंडर्ड, आई एम स्टूडेंट इन प्रेरणा पब्लिक स्कूल। आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड फॉर कोरोना वायरस अटैक्ड, बी केयरफुल, बी स्टे एट होम सेफली। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना वायरस का खतरा है, हम सब बच्चों का भी ख्याल कीजिए। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।